मेरे प्यारे परमात्मा के प्रेमी जन, आप सभी को मैं प्रणाम करूं, बंदगी करूं। अभी कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परंतु जब आपका प्रेम, स्नेह और परमात्मा के प्रति समर्पण देखा तो मन में ख्याल उठा कि ये तो शरीर का गुण धर्म है, स्वस्थ रहना अस्वस्थ रहना। सदगुरु कबीर कहते हैं, देह धरे का दंड है सबका हो को होई, ज्ञानी भुगते ज्ञान कथी अज्ञानी भुगते रोई। साहब की दया से इतनी समझ है कि शरीर अगर है तो कष्ट तो होगा, शारीरिक पीड़ा होगी, आदि व्याधि उपाधि ये तो मनुष्य मात्र को लगी हुई है। बड़ा अच्छा लगा आप सब लोगों को देखकर, आप जिस भाव को लेकर के यहाँ बैठे हैं, आज के इस पहले दिवस की शुरुआत हम करें, चर्चा प्रारंभ करें, उसके पहले मैं पुनः आप सभी से निवेदन प्रार्थना कर दूं, अपने वजूद को कायम रख के आपको ये चर्चा सुनना है, इसमें सम्मिलित होना है। किन्हीं मित्र का फोन आया है, संदेशा भी आया है, अच्छा लगा सुन करके। वे पूछते हैं कि क्या जो तिलक लगाता है, जो पूजा पाठ करता है, जो मंदिर जाता है, या जो दान धर्म करता है, मंदिरों में भंडारे करता है, क्या वो धार्मिक है? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपसे निवेदन करूं, धार्मिक व्यक्ति वो है जिसे दिखाई पड़ता है, मुझ में वो दिखाई पड़ता है, अपने आप में, स्वयं में। और जब वो ये जान जाता है कि जब वो मुझ में है तो वो सब में होगा, क्योंकि अगर मुझ में हो सकता है तो फिर तो कोई स्थान ऐसा खाली नहीं है कि जहां वो नहीं हो। इस एहसास को, इस अनुभूति को पाने के लिए हमें बहुत छोटा बनना पड़ेगा, बहुत मीठा बनना पड़ेगा, शीतल बनना पड़ेगा, नाना बनना पड़ेगा, अपने अहंकार को मिटा करके अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। वैसे तो सिर है ही कहां, वो तो हम झुकाएंगे तो पता चलेगा ना कि है कि नहीं। ना झुकाओ तो पता चलता है कि है। अहंकार को मिटाना पड़ता है। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि है ही नहीं। ये अहंकार, ये सिर जिसमें हम जगत का घमंड, जगत का अहंकार, जगत की दुर्भावनाएं, धर्म के नाम पर ऊंच नीच का व्यवहार, ये सब लेकर के घूमते रहते हैं। एक रात अगर तुम सपना देख लो कि तुम सम्राट हो, तुम राजा बन गए हो, बहुत बड़ा तुम्हारा विशाल साम्राज्य है, बड़े बड़े महल हैं तुम्हारे सोने के, सुंदर अप्सराओं के जैसी तुम्हारी रानियां हैं, तुम्हारी पत्नियां हैं, देवताओं जैसे सुंदर तुम्हारी संतान है, तुम्हारी पुत्र है, और फिर अगर सुबह आंख खुल जाए फिर क्या होगा? फिर क्या रात के सपने को छोड़ना पड़ता है? वो तो छूट ही जाता है। बड़ी हंसी आती है मुझे इस बात पर। हम इस धोखे में पड़ जाते हैं, हम भरोसा कर लेते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये नहीं है। छोड़ना क्या है? जब तक जागे नहीं तब तक सपना है, और तब तक सपना सच भी है, बहुत बहुत सच लगता है, आनंद आता है। और जागे की सपना कहां गया? अगर हमारा सिर झुक जाए फिर सिर कहां? इसलिए झुकने के बाद फिर कोई कोई झुकने की कला थोड़ी सीखना पड़ती है। झुकने के बाद तो पता चलता है कि सजदा हो गया, उसकी इबादत हो गई, उसकी प्रार्थना हो गई, सजदा तो चल ही रहा था,
हम तो जबरदस्ती अपने सिर के सपने में पड़े हुए थे, सिर तो था ही नहीं। झुक कर ही पता चलता है कि सिर नहीं है। अगर एक बार भी हम झुक गए तो फिर दोबारा अपने सिर को हम ढूंढ ना पाएंगे। हम झुके कि अहंकार गया, मिट गया, समाप्त हो गया। आखिर में ये अहंकार एक नींद का ही तो नाम है, जिसको हम अकड़ कह सकते हैं। झुके, झुक सके एक बार भी तो झलक मिल जाएगी उसकी, उसके समर्पण की, उसके आनंद की बरसात जो बरस रही है उसका एहसास। फिर कौन कौन उस अहंकार को ढोएगा जिस जो जो एक तरह का नरक है जिसका नाम अहंकार है। तो ये जो समर्पण है, ये जो सजदा है, ये जो प्रार्थना है, ये जो विनीत भाव है, ये कोई कोई इसकी कोई कला थोड़ी है। इसको सीखना भी नहीं पड़ता और ये सीखा भी नहीं जा सकता है। हाँ, अचानक अगर हम किसी के संगति में बैठ जाएं और वहां ये घटना हमारे जीवन में घट जाए, किसी की संगति हमारा निमित्त मात्र बन जाए, किसी की मौजूदगी, किसी संत की, किसी फकीर की मौजूदगी हमारा कारण बन जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है, व्यक्ति नहीं होता है तो भी विनती और प्रार्थना हो जाती। करना कभी ऐसा, कभी सुबह सवेरे एकदम सन्नाटे में, एकांत में, किसी रस्ते पर ताजा ताजा सूरज उग रहा हो और धरती से थोड़ी सुगंध आ रही हो और ये हरे हरे वृक्ष घास पर ओस की मोती की बूंदे जमी हो और ये पशु पक्षी कलरव कर रहे हो, क्या कभी मन होता है कि झुक जाए? और अगर मन हो जाए तो अपने घुटने टेक देना इस भूमि पर, सिर लगा देना अपना जमीन पर। वहां कोई किसी के चरण नहीं पड़े हैं, ना वहां कोई की मूर्ति है, ना कोई मंदिर है, ना कोई 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 मनुष्य है, लेकिन फिर भी अगर ये झुक जाने का भाव उठ जाए और तुम झुक जाओ, किसके सामने झुके ये कोई मायने नहीं रखता, कोई है भी नहीं वहां, ये सवाल ही उठाने की जरूरत नहीं है कि कोई हो तो मैं झुकूं। बस प्रार्थना झुकने में असली राज है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी ले शक्कर चली और हाथी के मुख दूर। कबीर के ये शब्द बड़े जिंदा शब्द हैं। सदगुरु कबीर फरमाते हैं, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होई सो भर पिए और ऊंचो प्यासो जाए। तो ये झुकने में बड़ा मजा है। झुक गए प्रार्थना हो गई, उठोगे तो दूसरे ही आदमी बन करके उठोगे मेरे प्यारे। बिना अहंकार के हो जाओगे, बिना शीश के हो जाओगे। एक एक सन्यासी का, एक फकीर का यही तो मतलब है, जिसका सिर दूसरों को तो दिखाई पड़ता है लेकिन उसकी तरफ से उसका सिर उसको दिखाई नहीं पड़ता। जो अभी तो था लेकिन अब नहीं है, सिर तो उनका ही है, अहंकार तो उनका ही है, जो सो रहे हैं सपने में। और जब जैसे ही इंसान जागरण की बेला में आता है उसका सिर खो जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं, ये प्रार्थना करने की कोई कला थोड़ी है, ये अहंकार को गिराने की कोई कला नहीं है, ये सजदा करने की कोई कोई इसका कोई उपाय है ही नहीं कि हम इसको कहीं से सीख ले। और अगर कोई इस बात को सीख ले कि माथा कैसे झुकाया जाता है भगवान के दरबार में, तो निश्चित समझ लेना कि ये झुकाना तुम्हारा पूरा झूठ हो जाएगा, एकदम व्यर्थ और बेकार हो जाएगा। हम देखते हैं ना, मंदिर मस्जिदों में लोग कितने ही सिर झुकाते हैं, मगर झुकता कहां है? बात एकदम उल्टी है। मंदिर मस्जिद में जाने वाले का सिर और ज्यादा अकड़ जाता है, वो और अकड़ के बाहर आता है और इस धोखे में आता है कि मैं धार्मिक हूं कि देखो, और इस दुनिया के लोगों में रोज मंदिर जाता हूं, तुम दुनिया के लोग तो पापी हो।
ये अकड़ ये अहंकार उस आता है जिसके कारण उसके जीवन के कोई मायने नहीं रहते, उसके जीवन में कोई घटना घटित नहीं होती, उसके जीवन में प्रेम के कोई पुष्प प्रकट नहीं होते, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई आनंद के फूल नहीं खिलते हैं। मंदिर रोज जाता है, पूजा रोज करता है, माथा रोज नमाता है, लेकिन अकड़ के साथ। माथा झुकाता है तो और अकड़ के बाहर आता है, मैं मंदिर गया। हजरत मोहम्मद साहब एक दिन एक व्यक्ति को लेकर मस्जिद चले गए। पहली बार वो युवक मोहम्मद साहब के साथ मस्जिद गया था। मस्जिद गए मोहम्मद साहब और उस व्यक्ति ने प्रार्थना करी और वापस लौट रहे थे। गर्मी के दिन रहे होंगे और कुछ लोग अभी भी रास्तों पर अपने अपने बिस्तरों में सोए पड़े थे। ये सुबह सुबह का समय है। उस युवक ने, उस व्यक्ति ने मोहम्मद साहब से कहा कि बोलो साहब, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम तो अभी मस्जिद में प्रार्थना करके आए हैं, इबादत करके आए हैं, लेकिन इन पापियों का क्या होगा? ये तो नरक में पड़ेंगे। कितना सुंदर अवसर है, ये प्रार्थना का समय है, ये परमात्मा से बंदगी करने का अवसर है, और ये पापी लोग अभी भी बिस्तरों में पड़े हैं। इन दुष्ट लोगों का, इन आलसियों की क्या गति होगी? साहब कुछ तो बताएं। हजरत मोहम्मद साहब वहीं के वहीं ठिटक गए, खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू आने लगे, आंसू गिरने लगे, विचलित हो गए। मोहम्मद साहब ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, सजदे के लिए हाथ खड़े कर लिए, वहीं झुक गए जमीन पर और परमात्मा से बारंबार, अल्लाह से, खुदा से क्षमा मांगने लगे। हे मेरे मौला, हे मेरे खुदा, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वह युवक जो मोहम्मद साहब के साथ आया था वो तो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, क्या बात हो गई, आप किस बात की क्षमा मांग रहे हैं? मोहम्मद साहब ने कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं क्षमा मांग रहा हूं कि मैं तुझे मस्जिद में लेकर के गया। तू मस्जिद नहीं जाता तो ही बहुत अच्छा था, कम से कम तुझे ये ख्याल तो नहीं था कि तू पुण्यात्मा है और दूसरे पापी लोग हैं। आहा, मुझसे एक और भूल हो गई, तू भी रोज सोया पड़ा रहता था, तेरे मन में कभी ये घमंड, ये अहंकार नहीं आया था कि मैं पुण्यात्मा हूं और दूसरे लोग पापी हैं। आज एक बार तू मस्जिद में क्या गया, तू पुण्यात्मा हो गया, दूसरे नरक में पड़ेंगे ये विचार करने लगा तू, तू अपने आप को धार्मिक मानने लगा और दूसरों को अधार्मिक, दूसरों को पापी समझने लगा, और ये दुनिया के लोग नरक में पड़ेंगे और तू ये नरक में पड़ेंगे, तू ये पूछने लगा मुझसे कि ये कैसे कैसे नरक में पड़ेंगे। अहंकार ने तुझे मिटा दिया रे पगले, ए मेरे मौला, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मोहम्मद साहब कहने लगे, मुझे वापस जाना होगा मस्जिद में, मुझे फिर से नमाज करनी होगी। ए मेरे भाई, तू घर जा और सो, तू सो इसी अहंकार में, इसी भूल में, इसी छलावे में, इसी ढोंग में, इसी पाखंड में अपने जीवन को जीते रहना कि तू धर्मात्मा हो गया है और दुनिया के लोग पापी हो गए। आज तूने मेरी नमाज खराब कर दी। मैंने तो सोचा था कि मेरे संग साथ तेरी नमाज भी उड़ जाएगी, पंख लगा करके, पंख खोल करके मेरी प्रार्थना के साथ तेरी प्रार्थना भी उस खुदा तक पहुंच जाएगी, लेकिन तेरी संगति के कारण मेरी नमाज के पंख भी तूने तोड़ डाले रे पगले, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कहते हैं मोहम्मद साहब दोबारा फिर से मस्जिद में गए, फिर से खुदा की इबादत की, फिर से नमाज पढ़ी। अभी अभी तुम जिसको धार्मिक आदमी कहते हो उसकी अकड़ देखो, उसका अहंकार तो देखो, उसका रुबाब तो देखो,
किसी ने तिलक लगा रखा है, किसी ने जनेऊ पहन रखी है, किसी ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, किसी ने अपनी जटाएं बढ़ा रखी है, कोई कोई गीता के श्लोक दोहरा रहा है, कोई कोई पुराणों की ऋचाएं गा रहा है, कोई भगवान की आरती गा रहा है। इनकी अकड़ तो देखो, रोज मंदिर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, मंदिर की घंटी बजा देते हैं, मंदिरों में घंटियां लटका रखी है, मालूम है वो खबर कर रहा है घंटी बजा करके भगवान को कि सुनो मैं आ गया हूं, और जोर जोर से घंटियां बजाता है कि कहीं तुम झपकी खाकर सो तो नहीं रहे हो भगवान, या सो गए हो तो जाग जाओ, देखो कौन आया है। फिर वह घूमता है इस दुनिया में उस पवित्र अहंकार को लेकर के कि मैं भगवान की घंटी बजा करके आया हूं, भगवान को जगा करके आया हूं, अपने हाथों से मैंने भोजन बनाया था वो भोग लगा करके आया हूं, बड़ी दूर से मैंने आरती की थाली सजाई, मैंने पुष्प लिए और भगवान को मैं अर्पण करके आ रहा हूं, इसी अहंकार को लेकर के वो जगत में जीता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना कोई कई सीखी नहीं जाती, ये सजदा जो होता है ये हृदय से होता है, ये समर्पण से होता है, ये सरलता से होता है। जितनी सरलता से हम प्रभु के चरणों में झुकेंगे, बस उसी झुकने में प्रार्थना है। ये पूछो ही मत कैसे झुके, कैसे झुक रहे हैं, ये पूछना ही नहीं है, इस पर हमारा ख्याल कभी जाना ही नहीं चाहिए। जिसको झुका लिया है वही आगे भी झुकता रहेगा। तुम अपने हाथ में यह काम लो ही मत कि मैं झुक रहा हूं, तुम प्रार्थना करने को अपना कर्म मत बनाओ कि मैं मेरा रोज का काम है, 8 बजे मुझे मंदिर जाना है तो जाना है, 9 बजे मुझे किसी भूखे को भोजन कराना है तो कराना है, मुझे शाम को भंडारे में जगराते में जागरण में जाना है तो जाना है, इसको कृत्य मत बनाओ। उसने झुका लिया है वही झुकाए रखेगा, तुम इसे औपचारिक नियम मत बना लेना मेरे भाई बहन। हम मनुष्य लोगों की बड़ी से बड़ी भूलों में से एक भूल यह है कि हम परमात्मा की प्रार्थना को भी नियम बना लेते हैं। पूर्ण प्रेम प्रभु से हुआ तो सब नियम का बंधन छूट गया। सदगुरु कबीर का बहुत प्यारा पद है, प्रेम मगन जब मन भया तो कौन गिने तिथि बार। इसलिए प्रार्थना है अपने आप को हमें सहज बनाना है, समस्त सृष्टि के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जीव मात्र के लिए हमारा हृदय सदैव श्रद्धा से भरा रहे, सभी में उसकी झलक को पा करके उसकी अनुभूति करके सजदे में ये सर झुकता रहे। हमारी वजह से किसी को पीड़ा ना हो, हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, और ये अहंकार भी ना रहे कि मैंने कुछ किया है तेरे लिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोई, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोई। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम और भाव के साथ सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी के हृदय में बैठे उस परमात्मा को मैं प्रणाम और बंदगी करूं, परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे।